तो हेलो गेमर्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम खेलने वाले कार फॉर सेल सिमुलेटर और आज हम जाने वाले कार मार्केट भाई $1,00,000 लेकर। तो गाइस, देखना होगा कि हम कौन सी कार वहां पर जाकर परचेस करेंगे। एंड भाई, मैं तो महंगी से महंगी कार ही परचेस करूंगा। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा, अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम गेम की शुरुआत करने वाले हैं अपने कंटेनर से। एंड कंटेनर को करते हैं बंद और तैयार होते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। तो गाइस, आज हम ऑफिस जाने वाले हैं सुपरा को लेकर, और ये मैंने पिछले ही एपिसोड में भाई परचेस की थी, और भाई मेरे को इतना भी समय नहीं मिला कि मैं इसको गैराज ले जाकर इसकी सर्विस करवा सकूं। कोई नहीं, तो लेट भी बहुत हो गया था, रात हो गई थी और गैराज भी भाई बंद हो गया था, इसलिए मैं कार को अपने घर पर ही ले आया। एंड कोई नहीं, अब जाएंगे भाई पहले इसकी जाके सर्विस करवाएंगे और भाई ऑफिस में जाकर इसको सेल आउट कर देंगे हमें, क्योंकि $1,00,000 करने हैं और भाई कार मार्केट भी जाना है। इससे महंगी कार मेरे को परचेस करनी है भाई, ये तो अभी कुछ नहीं है, बहुत महंगी महंगी कार पड़ी है। तो जल्दी से चलते हैं ऑफिस, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। और भाई इसकी जो साउंड है ना भाई, मेरे को तो इसकी साउंड सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि मेरे पास मस्टैंग जीटी थी और इसकी साउंड तो भाई लाजवाब है, AK-47 फेल है। तो गाइस देखो, मार्केट खुली हुई है, कार मार्केट, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम आएंगे जल्दी, बट $1,00,000 करने पर बेइज्जती नहीं करवानी भाई, क्योंकि कार मार्केट है वो ऐसे नहीं है कि यहाँ पर छोटी मोटी कार तो नहीं मिल जाएगी, महंगी से महंगी कार $1,00,000 तक कम नहीं मिलेगी। तो आ चुके हैं हम अपने ऑफिस और इंजन को कर देते हैं बंद, ताकि हम पेट्रोल बचा सके थोड़ा सा। चलो एंड कोई नहीं, चलो यार कार की पहले इसकी देखते हैं कि इसमें कितना खर्चा आने वाला है। चलो थोड़ी सी डैमेज है, एंड इसको लेकर चलते हैं भाई गैराज, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कार को सेल आउट कर सकें और भाई मार्केट जा सकें। तो चलो जल्दी से चलते हैं और बाकी बात बाद में करते हैं। एंड भाई ये कार मेरे को पर्सनली इसलिए पसंद है भाई, इसकी स्पीड और आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउडली है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड। और तो और रुको भाई यहाँ पर तो कार पहले से ही लगी हुई है एक। भाई ये बंदा हमेशा छोटी मोटी कार को ही रिपेयर करता है, बट मैं ये सामने जो बंदा है ना सेकंड नंबर पर, इसके पास ही अपनी कारों को भाई सर्विस कर पाता हूँ, क्योंकि भाई ये बंदा अच्छा है, आदत का भी अच्छा है। $700 चल भाई कर दे, हमेशा मेरी बात मानता है और जैसा मैं कहता हूँ भाई वैसे ही करता है। चलो यार बिना देरी करे चलो पहले चलते हैं ऑफिस, और भाई यहाँ पर कितना कचरा हो रखा है इसको निपटाते हैं, जब तक मेरी कार को भी भाई वो रिपेयर कर देगा। एंड भाई यहाँ पर इतनी थैलियाँ कौन डालता है भाई, मेरा तो ये काम है नहीं, शायद ये बगल वाले घर का ही काम है, किसी दिन मैं कैरी करके भाई उसको सुनाऊँगा, ज़रूर सुनाऊँगा क्या, ये तो भाई एक गेम है, कोई नहीं भाई डालना इसमें। चल डाल दिया भाई, एक कैन और रह गई, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। चलो चलो भाई चलते हैं भाई ऑफिस खोल लेते हैं, क्योंकि भाई तभी तो हमारे पास ग्राहक आएंगे। चलो ऑफिस, लेकिन भाई बहन को कुछ कमी लग रही है भाई, हाँ ये रही, तभी तो कह रहा हूँ भाई मेरे को कहीं कमी लग रही है, कहीं कचरा है अब भी। चलो अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है हमारा ऑफिस, और चलते हैं भाई गैराज में। और भाई इसने तो मेरी कार को भाई ठीक करके बिल्कुल रेडी करके रखा है, थैंक यू ब्रो, लव यू ब्रो। तो गाइस आज हम इस कार को बेचकर जाएंगे मार्केट, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मार्केट जाने के लिए। तो चलो जल्दी जल्दी इसको हम पार्क करेंगे अपने ऑफिस में, एंड आराम से भाई आराम से। मैं नहीं चाहता कि इसमें और टूट फूट और खर्चा वर्चा हो, क्योंकि भाई मेरे पास चलानी नहीं आती कार इतनी। चलो जल्दी से चलते हैं भाई ऑनलाइन जाके इसके रेट में देखते हैं। एंड मैंने इतने की ली, और 125 की तो मैं बेचूंगा, बट 125 की कोई लेगा नहीं, बट मैं बेचने की कोशिश तो कर सकता हूँ भाई, क्योंकि बारगेनिंग भी होती है, हर चीज़ होती है, न्यू नहीं कि हम एक ही रेट में कोई हमसे आकर ले लेगा, नहीं बारगेनिंग होती है। चलो जब तक कोई नहीं आता हम कार को चमका कर रेडी रखते हैं, ताकि सामने वाले का दिल ना दुखे कि भाई मैंने एक गंदी कार उसको अच्छे से दी है। चलो भाई मैंने कार को तो सफ़ा कर दी यार, अब ग्राहक लेकिन कोई नहीं आया अभी तक, इतनी देर हो गई भाई, क्या करें, तो जाकर क्या एक कार और परचेस करें। चलो एक कार और लाते हैं, जब तक एक आध कोई ग्राहक आ जाएगा और हम इसको भाई सेल आउट कर देंगे। तो आ चुके हैं यहाँ पर भाई फर्स्ट लुक में, भाई मेरे को यहाँ पर एक और सुपरा दिख गई। चलो भाई
बात करना भाई, क्या हुआ? मन नहीं है क्या तेरा बात करने का? चलो अच्छा भाई, भाई ये कार को बेच रहा है, बजट में है भाई अपने। चलो हम इसको लेंगे 60,500, नहीं 60,000 डॉलर करीब, 800 से 50 डॉलर। चलो ये भी भाई हमने परचेज़ कर ली, एंड इसको लेकर चलते हैं भाई अपने ऑफिस में, और इसको भी जल्दी से सेल आउट करेंगे। भाई टाइम देखो कैसा निकल रहा है, लेकिन मेरे को मार्केट भी जाना है, लेकिन अभी तक मेरे पास 1,00,000 डॉलर नहीं हुए हैं। बट अभी इन दोनों को ही देख कर मेरे पास 1,00,000 डॉलर तो पक्का हो जाएंगे। चलो ऑफिस आ चुके हैं। ओ भाई भाई मैं थोड़ा सा लेट हो गया, और भाई देखो मेरे ऑफिस में भाई कस्टमर खड़े हैं। भाई सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ जी मोहतरमा, बोलिए जी आपकी क्या डिमांड है? ओके चलो हम भी बारगेनिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, 80,580 में। ओके खुश ले जा, खुश होकर लेकर गई है भाई बिल्कुल। तो 91,000 भाई डॉलर हमारे पास है करंट में, और इसको भी हम जल्दी से गैराज लेकर जाते हैं, और इसको भी रिपेयर करवा कर भाई सेल आउट करेंगे। हमारे पास समय भी भाई घटता ही जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। पता नहीं मैं आज जा पाऊँगा या नहीं, जाने की कोशिश करेंगे, घबराओ मत ना भाई बिल्कुल भी। चलो भाई ना ना इसके पास ही चल भाई, आराम से आराम से आराम से प्यार से भाई। भाई गाड़ी को मैं कैसे भी कर दूँ ना, ये बंदा अपना आप ही कह कुछ उंगली नहीं उठाता, मतलब कि हाँ भाई ऐसी क्यों खड़ी कर दी, वैसी खड़ी कर दी। बंदा अच्छा है, आप भी जब भी आना, देख रहे हो अब भी भाई छोटी कार को ही वो रिपेयर कर रहा है, देख रहे हो छोटी सोच वाला छोटी करेगा कि भाई मेरे से इसकी कभी बनी नहीं है। देखो अब भी छोटी कार को रिपेयर कर रहा है, और भाई ये बंदा जेन्युइन बंदा जेन्युइन। चलो जरा सा सी काम है, हम थोड़ी देर यहीं वहीं टहल लेते हैं, जब तक तो भाई रिपेयर करके भी दे देगा, और भाई कर दे एंड ओके। तो इसने मेरी कार को रिपेयर कर दिया। ओ भाई चलो जल्दी से लेकर चलते हैं भाई अपने ऑफिस, एंड इसको आराम से। भाई ये क्या होता है, ये एक नंबर का ग्लिच है क्या? कोई नहीं चलो, मैंने लाइट जला दी, अंधेरा तो इतना हो नहीं रहा, बट लाइट को बंद कर लेते हैं सब चीज़। ओके आराम से पार्किंग में करते हैं। नो ओ शिट भाई, इस भाई ये है ना जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अब देखो मेरे साथ अभी ये क्या हुआ भाई, मैं कभी भी जल्दबाजी में यार ऐसी कर देता हूँ, कार को मैंने भाई डैमेज कर दिया यार। थोड़ा बहुत तो देखो इसमें भी खर्चा आएगा, क्या कर सकते हैं, हम कार को रिपेयर करके ले आए हैं आराम से यहाँ पर पार्क करके, और भाई इसको जल्दी से हम करेंगे सेल आउट करेंगे। और भाई इसको तो मैं और महंगी बेचूँगा, 99,600 डॉलर करीब की बेचूँगा, एंड भाई इससे कम की तो मैं नहीं बेचूँगा, क्योंकि भाई मेरे से थोड़ा बहुत मोटा खर्चा हो गया इससे। कोई नहीं सुपरा है, कोई ना कोई तो लेकर जाए भाई। चलो थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं जब तक तो कोई ग्राहक नहीं आता है, बट आएगा तो ज़रूर। और भाई समय तो मेरे को लग रहा है बहुत ही ज़्यादा हो गया है, और मैं मार्केट जाऊँगा या नहीं। ओ ओ ये भाई, ओ ये कहाँ से आ गया भाई, ऊपर से टपक गया अचानक एकदम, तूने मुझे डरा दिया भाई। ओके चलो भाई बारगेनिंग करते हैं थोड़ी सी, 90,000 डॉलर करीब तू ले जा, इससे अच्छी डील तेरे को कहीं नहीं मिलेगी भाई। भाई मेरे पास 1,00,000 डॉलर तो मेरे पास हो गए, बट मेरे पास समय नहीं बचा बिल्कुल भी, और ना ही मैं अब इस टाइम कार मार्केट जाने वाला हूँ, क्योंकि इतने में जाऊँगा इतने में तो कार मार्केट बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, और मेरे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, जो कि मैं $10 खर्च करके वहाँ जाऊँगा, मैं नहीं जाने वाला भाई। इस टाइम चलेंगे फिर सीधा अपने कंटेनर में, और जाके भाई सीधा लेटेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट डे, अगर नेक्स्ट डे दिन खुलेगा तो उस दिन चलेंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो भाई अगले दिन है और उठकर हम तैयार हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए, और आज भी कार मार्केट भाई खुली हुई है, तो जल्दी से चलते हैं सबसे पहले कार मार्केट, क्योंकि मेरे पास 1,00,000 डॉलर से भी ऊपर है पैसे। चलो आज मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, और भाई कार मार्केट भी खुली हुई है, और भाई यहाँ पर देखो कितनी भीड़ हुई है। और देखो शुरू में ही देखो यार
पोर्श पोर्श खड़ी हुई है यहाँ पर भाई। ओ भाई ये तो अभी वो कास्ते ही बाहर है अपने, अभी इसको नहीं लेंगे भाई, हटो साइड में यार, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है, लेना लेना कुछ है नहीं यहाँ पर, बस एक दूसरे का मुंह देखने आते हैं। तो ये कौन सी है भाई, ओडी भाई, बड़ी ख़तरनाक गाड़ी है, और ये तो बिल्कुल ही औकात से बाहर अभी तो। और भाई एक और पोर्शे यहाँ पर है वाइट कलर में, एंड ये मोहतरमा कितने की दे रही है, शायद ये बजट में हो सकती है, बारगेनिंग कर देखते हैं, पूरे पैसे झोंक देंगे, लेकिन देखते हैं अगर ये मान जाती है तो। एंड मान गई भाई, मेरे पास पोर्शे कार आ गई। ओ भाई देख रहे हो मैंने आज खरीदी है इतनी महंगी कार, 1,75,000 डॉलर की मैंने ये कार परचेज कर ली भाई। साइड में हटो यार, मैं कुचल दूँगा एक आध को, चलो भाई साइड को, लेना देना कुछ है नहीं भाई, अपने ऑफिस आओ यार, वहाँ पर जाकर तुम्हें अच्छी अच्छी कार प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर मुँह देखने आ जाते हैं बस एक दो रहते भाई, चलते हैं चलो अपने ऑफिस पे, और आ चुके हैं भाई अपने ऑफिस। भाई इसको हम डैमेज नहीं करेंगे, इसको बड़े आराम से हम अपने ऑफिस में। ओ भाई ए हाय भाई, थैली टकरा गई भाई कचरे की। चलो भाई ये कौन फेंक देता है इतनी मोटी मोटी यार, फेंक दी इसमें, चलो भाई एक ही उसे बिठाओ और यहाँ में फेंकी। चलो ऑफिस सिस्टम हमारा फिलहाल हो गया क्लीन, और भाई इसको भी हम पहले पानी से एकदम क्लीन कर लेंगे अच्छे से। भाई वाइट कलर की पोर्शे अच्छी लग रही है, बट मेरे को यार वाइट कलर ज़्यादा खास नहीं है, मुझे ब्लैक कलर पसंद है, और अब भी देख लो मैंने ब्लैक कलर ही पहना हुआ है। कोई नहीं चलो इसको अच्छे से हम साफ़ करेंगे, और भाई इसको हम जल्दी से सेल आउट करेंगे। फिलहाल मेरे पास 300 करीब डॉलर है, कहाँ मेरे पे 1,00,000 डॉलर थे, इस कार में मैंने सारे उड़ा दिए। चलो इस कार को जल्दी से हम सेल आउट करेंगे, और भाई जाकर इसको तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा महंगी बेचने वाला हूँ, करीब 2,65 की इसको बेचने वाला हूँ। चलो कोई तो लेके जाएगा भाई, इतनी महंगी कार है, इतनी एक्सपेंसिव कार है, मतलब तोड़ नहीं है भाई इसका भी, लेकिन मैंने कभी इसको चलाकर इतनी अच्छे से नहीं देखा, बट कंपैरिजन ज़रूर करूँगा मैं इसका। एंड यहाँ पर ग्राहक आ चुके हैं सबसे पहले, भाई मैं थोड़ा सा टहलने गया था, कोई नहीं यहाँ पर दो दो ग्राहक आ चुके हैं। हाँ जी इनसे पूछते हैं भाई, भाई इसकी शक्ल देख कर लग रहा कि ये कार खरीद पाएगा, काला कलवा। चलो भाई लेकिन ये तो मान गया, मान क्या गया ये, अभी पता पड़ जाएगी, मैं अभी अपनी डिमांड रखता हूँ ना इसके सामने, और भाई डन ले गया भाई। भाई जिसकी उम्मीद ना होती है ना वही कलाकार भाई उस्ताद निकलता है। और चलते हैं भाई जल्दी से एक बार और कार मार्केट, मैं सोच रहा हूँ यार वो ब्लैक वाली पोर्शे ले लूँ। अब मेरे पास 2,00,000 डॉलर है भाई, एक दिन के अंदर मैंने 2,00,000 डॉलर करीब कर लिया, ये होती है भाई पावर कार मार्केट की, यहाँ पर महंगी से महंगी कार बिकती हैं। और बता दो भाई कितने की बेच रहे थे, शायद अब हमारे ये बजट में है, एंड मैं इसको लेने वाला हूँ, हम सारे पैसे लगा देंगे 230 के करीब इसको, देखते हैं मानती है तो ठीक है, नहीं तो एंड ओके ओके। भाई ब्लैक कलर की पोर्शे भी हमारी हो चुकी है फिलहाल, तो भाई कुछ डैमेज नहीं, बिल्कुल क्लियर कार है, बेहतरीन। भाई गरीबों देख लो इधर, इधर देखो इधर, मेरे पास पोर्शे है भाई, इधर आओ मेरे ऑफिस आओ भाई मेरे ऑफिस। चलो गरीबों कहीं यहाँ पर मतलब भीड़ लगा रखी है खामोखा की। चलो अपने ऑफिस इसको लेकर चलते हैं, और भाई सीधा इसको भी हम सेल आउट करेंगे, बट मेरे को बहुत सारा बहुत ज़्यादा अमीर बनना, मेरे को करीब 10,00,000 डॉलर करीब तो लेकर जाने हैं, उसके बाद सोचूँ अपने लिए पर्सनल कार लेने की। एंड इसको यहाँ पर खड़ी कर देते हैं और जल्दी से चलते हैं भाई, इसको सेल आउट पर लगा देते हैं पहले, ताकि टाइम भी हमारा बचे और ग्राहक भी आकर इसको ख़रीद ले। तो इसको मैं बेचूँ भाई कितने की बेचूँ, 2,99 नहीं सीधा भाई 3 प्लस बेचूँगा भाई, 3,00,000 प्लस ही बेचूँगा, इससे कम की नहीं बेचूँगा, 3,12,000 करीब की बेचूँगा एंड सेल आउट। चलो देखते हैं भाई अब कोई ग्राहक आता है या नहीं, भाई टाइम तो लगता है लेकिन आ जाएगा। चलो हम इसकी थोड़ी सी सफाई वफाई कर लेते हैं, ये भी गंदी हो रखी है,
चलो कोई नहीं भाई, कितनी देर लगेगी अभी ग्राहक आने में। मैं सोच रहा हूँ कि ये कार और निकाल दूँ और एक बार और कार मार्केट चलते हैं, और मैं वो वाली ओडी ओडी कार जो थी लैम्बोर्गिनी जैसी एक टाइप की लग रही थी उसको हम परचेज कर कर लाएंगे। सॉरी। चलो भाई, कोई ग्राहक अभी तक नहीं आया, सब जगह से मैंने क्लीन कर दिया। भाई आ जा, कोई तो ग्राहक आ जाओ भाई, कोई तो आ जाओ एक आध। टाइम भी भाई होने को आ रहा है। चलो भाई इतने देर थोड़ा टहले दिया, लेकिन मुझे कुछ कमी ले रही, ग्राहक मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। मैंने यार इतनी महंगी महंगी कार अपने ऑफिस लाकर खड़ी कर दी, लेकिन मैंने अभी तक अपने ऑफिस को डेकोरेट नहीं किया है। चलो ऑफिस को डेकोरेट करते हैं अपने थोड़ा सा। भाई ये तीसरा पोर्शन मैं ख़रीदूँगा, जल्दी ख़रीदेंगे इसको भी। सबसे पहले हम डेकोरेशन करते हैं बाहर की। तो मैं सोच रहा हूँ बाउंड्री पे यार ग्रीन कलर की घास लगवा लेता हूँ, अंदर कुछ नहीं करवाना अभी फ़िलहाल। ग्रीन कलर की हमने घास परचेस कर लेते हैं, $10,000 की है एंड डन। तो भाई अब देखना कितना अच्छा लुक आता है बाहर। और भाई लुक को देखते ही पब्लिक आती है, ग्राहक टूट के पड़ते हैं। और देख लो भाई कितना अमेजिंग लग रहा है मेरा ऑफिस इस टाइम, अच्छा खासा साफ सुथरा और घास फूस लगी हुई ग्रीन कलर की। भाई लुक अच्छी आ रही है। चलो थोड़ी से इतने टहल कर ही आ जाते हैं जब तक तो कोई ग्राहक आता या नहीं आता। एंड ओ भाई आ गया आ गया आ गया आ गया, मोटो आ गया भाई मोटो भाई। हाँ जी भाई साहब बताइए अपनी डिमांड कितने की लेना चाहते हैं आप। मजाक कर रहा भाई क्या भाई, होंडा सिटी है क्या ये जो तू इसको लेने को आ गया मेरे पास, चल निकल यहाँ से। मजाक करना आ गया भाई, मैं तो इसके रेट भी भूल गया कितने की लाया था मैं इसको। बताओ 230 की तो मेरी ख़रीद है। अरे मैं यार ये क्या मजाक करना आ गया मेरे साथ में सुबह सुबह। भाई मैंने तो उसको सीधा मना कर दिया। ओह अभी दो ग्राहक और आए हुए हैं, इनकी देखते हैं। भाई तेरा भी मन नहीं है आंटी, तेरा भी मन नहीं लेने का, मुझे लगता है ये कार मार्केट से ही इधर आए हैं। ओ भाई देखो ये वापस आ गया, ये वापस आ गया, यही कार को लेकर जाने वाला है। चलो पहले सीम मालूम कर लेते हैं। भाई भाई तू तो भी वहीं कहीं मालूम लगता है मेरे को, तू वहीं से ही आया है। हाँ जी अंकल जी बताइए आप। भाई कहीं रेट पूछ कर आए हो तो मुझे बता दो भाई, इससे अच्छे रेटों में भाई आपको कार कहीं नहीं मिलने वाली है। एंड अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। चलो अब मेरी डिमांड है भाई इतनी, आपको पसंद आती है लो, नहीं तो भाई अपने निकल लो। एंड भाई डन। भाई मेरे को पता था यही कार को लेके जाने वाला है, क्योंकि भाई ये मेरे पास दोबारा आया है, कोई नहीं ऐसा होता है हर बार। चलो जल्दी से चलते हैं एक बार और कार मार्केट। एंड अभी भी कार मार्केट खुली हुई है सॉरी। और यहाँ पर देखो वही भीड़ है, वही भीड़ है, कोई लेना देना है नहीं, बस ऐसे ही है। और यहाँ पर भाई इस कार को पूछ लेते हैं, लेकिन मैं पूछ कर गया था कि अपने रेट ये चेंज थोड़ी कर देगा, नहीं ये अभी रेट चेंज नहीं करने का। तो हमें $4,00,000 करीब डॉलर करने पड़ेंगे जब जाकर। और यहाँ पर भाई गिनी चुनी चुंदी चुंदी कार रखी हुई हैं, एक सुपरा है, सुपरा भाई अभी बेच कर आ रहा हूँ मैं। और ये कितने की बेच रही है भाई, मजाक है हट, हम नहीं ले रहे भाई इतने की तो मैंने खरीद के बेच दी। एंड भाई थोड़ी सी हम डोनेट भी कर लेंगे। ओ भिखारी भाई साहब हमारा आगे जाके ऑफिस भी है, क्या पता आप मेरे ऑफिस पे जाकर बैठे और मेरा भाग खुल जाए तो आप मेरे ऑफिस पे भी जाकर बैठिएगा। तो यार टाइम तो बहुत हो चुका है, अब मेरा कहीं उधर उधर जाने का मन भी नहीं है। और सीधा चलते हैं भाई अपने कंटेनर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार, लेट्स गो भाई, गुड नाइट।